पहले महिलाओं को इकट्ठा करा दीदियों को कि अपने गांव में पानी की बहुत समस्या है, अपन चलो सब और एक प्यारे बनाएंगे। दीदियों को बताती हूँ कि दीदी पानी वेस्ट ना जाने दे। मीटिंग करने से ये बदलाव आया कि सब लोग जागरूक हुआ, जल कम खर्च करने लगे, बचा के करने लगे, रोड पे नहीं बहाने लगे। घर में रहने से कुछ थोड़ी ना होगा, अपन जब आगे जाएंगे बातचीत करेंगे थोड़े अपनी जिंदगी में सुधार आएगा। सपना कुछ अलग ही है, मुझे सेल्फ डिपेंड रहना पसंद है। मुझे लगता है कि महिलाओं को आगे आने देना चाहिए और अभी मैं चुनाव में इसलिए खड़ी हुई थी। महिलाओं को ट्रेनिंग देने का काम मुझे मिला था, फिर मैंने स्थान लिया था कि करना मतलब करना, कुछ भी हो जाए। महिला जल परियोजना आने से क्या हुआ कि मीटिंग होने लगी, पानी की जाँच हुई। जांच करने से पता चला है हम लोगों को कि ये पानी ठीक नहीं है, ये पानी ठीक है, तो उस हिसाब से हम भी यूज़ करते हैं पानी। जब ये कंप्लीट हो जाएगी योजना कि लोगों का काम लोगों के द्वारा लोगों के लिए, तो वो एक सफल सपना पूरा होगा गांव का। आपको एक कैन पानी लेने के लिए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, वो भी पानी पीने लायक नहीं था। जो पानी हम लोग पीते थे उससे चाय फटता था, तो वो लगा कि ये वास्तविकता ही है कि जल ही जीवन है। तो इन्होंने हमको हर एक चीज़ बारीकी से बताई, हर चीज़ की ट्रेनिंग ली कि भाई जो नल लगवाने वाले आएंगे ठेकेदार, तो उससे हम लोगों को क्या क्या चीज़ें किस तरीके से करवाना है। कभी पुरुष के साथ हमारी मीटिंग नहीं होती थी, पर अब हम पुरुषों के साथ बराबरी पर बैठते हैं। अब पुरुष पीछे रह जाते हैं और महिलाएँ आगे हो जाती हैं। हम लोग संतुष्ट हैं कि हमने हमारे गाँव के लिए भी कुछ किया है।